वंदे भारत माता की। गुड मॉर्निंग फैमिली, विश यू ऑल ए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे का राइड में हम लोग निकल रहे हैं। मैं आज एक नया ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, तो चलिए मोटो ब्लॉक पे मिलते हैं। ज़्यादा डिले नहीं करते, ऐसे सुबह से बारिश हो रहा था तो इसकी वजह से लेट हो गया। तो अभी सब लोग हम लोग मीटअप करेंगे साइंस सिटी के वहाँ पे, तो चलिए। तो लगभग 2 साल बाद मैं इंडिपेंडेंस डे राइड पे जा रहा हूँ। लास्ट 2 साल हुआ नहीं था, कोविड की वजह से तो ऐसे ही बंद था। उसके बाद लास्ट ईयर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज भी बारिश था सुबह से। तो एक्चुअली हम लोग का प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, बट अनफॉर्चुनेटली सुबह थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था। तो मैं भी सोच रहा था कि निकलूँ कि नहीं निकलूँ। उसके बाद बारिश कम हुआ तो सब बोल रहे हैं निकल रहे। तो अभी से फ़ोन कर रहे हैं, बारिश अभी थोड़ा कम है, बट देखिए हालात देखिए, आसमान फिर से काला हो चुका है। बस बारिश ना हो, अच्छे से हम लोग राइड कर पाए। तो मैं लगभग पहुंच चुका हूं जहां पर मीटअप है। तो जब तक मैं वहां पर पहुंचता हूं, जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अभी कीजिए। आर के बाकी आछे? আচ্ছা কারোর সঙ্গে আমার ইন্ট্রোডিউস হয়নি, আমি প্রথমবার এসেছি। তোমার নাম? আমি রনি। সেটা রনি, অমিত। ওকে ওকে, আচ্ছা তুমি বলো অমিত। তোমার সাথে গ্রুপে কথা হচ্ছে? হ্যাঁ কিশোর। আচ্ছা আচ্ছা কিশোর, ওকে অমিত, ঋষব না অমিত। ওকে তোমার নাম? তোমার ভাই ভাই তো তুমি বলছিলে যে আসবে। হ্যাঁ অমিত। ও বাপ্পা দা, আরে তোমার সঙ্গে তো ইন্ট্রোডিউস হয়নি। আরে হ্যালো বাপা দা, হ্যালো হ্যালো ভাই ভাই, তোর সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করেন। ভালো আছো ভাই? হ্যাঁ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো ভাই? সো টাইম টু লিভ, এখান থেকে আমরা নিকল রে। ডেস্টিনেশন কাহাঁ পে? ডেস্টিনেশন হ্যামিল্টনস বাংলো। হ্যামিল্টনস বাংলো, লেটস গো। আপ কোন গুগল লাগায়েগা? আমি নিকাল দিয়ে গুগল। তো আপনার শান তিরঙ্গা মানে লাগা লিয়া बाइक पे, अभिषेक लेके आया था मेरे लिए। अनफॉर्चुनेटली अभिषेक का जो हैंडल है, मतलब जो स्टिक है तिरंगे का, वो स्टिक टूट चुका है, तो उसने बैग पे रख दिया है। तो बाकी सब आगे निकल चुके हैं, थोड़ा हम लोग अभी उनको कैचअप करेंगे। लेट्स गो। ये जो रास्ता है ना, रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। मैं एक बार आया था यहाँ पे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा बहुत आया था, मुझे रास्ता बहुत अच्छा लगा था। ये रास्ता इतना अच्छा है ना, मन कर रहा है कि 70-80-90 में चलाऊं गाड़ी, बट एक्चुअली यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50, तो मैं वही 50-55 में जा रहा हूँ अभी।
यहाँ पे हम लोग अभी 2-3 मिनट रुके हैं, 2-3 जन गए हैं अभी फ्यूल अप करने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए। तो इन लोगों का फ्यूल अप हो गया कंप्लीट, हम लोग यहाँ से फिर निकल रहे हैं। अब कितना किलोमीटर बाकी है सर? अभी यहाँ से और 34 किलोमीटर बाकी है सर। चलिए तो फिर से रुकना पड़ा एक्चुअली, बापा दादा चेन में थोड़ा, बाइक के चेन में इशू हो रहा है। क्यों होता है प्रॉब्लम? अरे प्रचंड आवाज़ होती है। आवाज़ तो होता है, मैं अनेकक्षण तक पाची तुम्हारा गाड़ी। अरे वो गैस है, चेनटा में चेंज करता है। स्प्रॉकेट गैस है तुम्हारा, स्प्रॉकेट फॉल्स करछे। फॉल्स होछे ना? हां तुम्हारा घाट छाड़छे। छाड़छे ना? सर लास्ट 4-5 किलोमीटर से रास्ता ऐसे ही है, यहाँ का रास्ता ठीक नहीं है। ये जगह रास्ता बन रहा है, ऊपर से बारिश हो गया, बस ख़त्म है। बारिश और रास्ता ख़राब इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 100 किलोमीटर पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है। टाइम अभी हो गया 12:45, तो अभी भी दिखा रहा है यहाँ से 30 मिनट्स तो लगेगा, देखते। सो 10 से 12 किलोमीटर वही टूटा हुआ रास्ते पे चलाने के बाद थोड़ा सा एक मतलब रास्ता मिला है हम लोगों को। सो ये जगह का नाम है गौदखाली बासुंती। और देखिए ये है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, मैनग्रोव टाइगर लैंड इन द वर्ल्ड। कहाँ पे? तो हम लोग आ गए अभी फेरी घाट, तो फेरी से गाड़ी को उस पार लेना है। तो नौकरा कौन दिखे? कौन दिखे? कौन दिखे? चल सर, नाव में गाड़ी को चलाना पड़ेगा, ऐसा है कुछ सीन। गाड़ी बाइक बैठे ना, देख रहा हूँ गाड़ी हम लोग लेके जा पाएंगे कि नहीं आराम से, क्योंकि जितना सुने यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हैमिल्टन हाउस। स्पार से पैदल हम लोग चलेंगे तो 5 मिनट लगेगा, और गाड़ी से अगर लेके जाना है तो गाड़ी यहाँ से लेना पड़ेगा। ऐसा है यहाँ पे पार्किंग का जगह। अब बाकी हम लोग बाइक क्यों नहीं लेके जा रहे, बाइक लेके जाकर फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोग फिर वापस आ जाएंगे जल्दी। तो बाइक फिर वो लोग ही बोल रहे कि बेकार में आप लोग बाइक लेके जाएंगे, फिर अभी फिर वापस आएंगे, जिससे अच्छे बाइक यहाँ पर पार्क कर लीजिए और जाके 5 मिनट ही है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस, घूम के आ जाइए। सही है। तो पार्किंग का कॉस्ट है 30 रुपीज़ करके ईच बाइक। सो बाकी चलिए फेरी का मज़ा लेते हैं। और यहाँ पर हो रहा है अभी रिजर्व, तो भैया ने हम लोगों को रिजर्व करके दिया है 400 रुपये अप एंड डाउन। हम लोग लगभग 10 आदमी हैं, तो उस हिसाब से 400 रुपये फिक्स हो गया अप एंड डाउन लेके। कौन सा बोट है चलिए देखते हैं। अभी तो बोट कौन था एटा? अभी तो हमारे सबाई 10 जन। तो ये रहा अपना बोट अभी के लिए फिलहाल। भाई भारत माता की। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना अच्छा लग रहा है। बचपन के दिन याद आ रहे जब नाव में सवार होकर हम लोग ऐसे नदी क्रॉस करते थे, रिवर क्रॉस करते थे, मज़ा आ गया सच में। तो हमको जाना है उस तरफ, वहाँ पे उस पार। चलिए उतरते हैं यहाँ से, पानी पी लो। सब मज़े कर रहे, बहुत मस्ती आ रहा है यहाँ पे, बहुत मस्ती हो रहा है अभी नाव में। वेलकम गोसाबा ब्लॉक।
सो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ज़्यादा दूर से ही दिखा रहा हूँ, ये है बेकन बंगलो। बेकन बंगलो कुछ अंग्रेज का कुछ है, कौन है गूगल करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो यहाँ से देख लो, ये देख लो, अंदर जाना भी मना है क्योंकि कुछ काम चल रहा है गार्डन पे, इसलिए ये लोग बंद करके रखे हैं यहाँ पे, डोर क्लोज है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। तो बेकन बंगलो का एंट्री अभी है बंद फिलहाल, वहाँ पे जो अंदर बागीचा है वहाँ पे उसका काम चल रहा है, तो इसलिए एंट्री बंद है। तो इसके बगल में हम लोग का हैमिल्टन बंगलो है, तो हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं हैमिल्टन बंगलो की तरफ। तो क्राउडेड है एरिया पूरा, बहुत लोग सुंदरबन घूमने आए हैं। हम लोग लगभग हैमिल्टन बंगलो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ही शायद बंगलो है, यही है हैमिल्टन बंगलो, वो पीछे जो दिख रहा है बंगलो वही है। तो यही है हैमिल्टन साहब का बंगलो, बंगलो फिलहाल है बंद, हम लोग नहीं जा सकते अंदर, तो यहाँ पे आना हो गया पूरा बेकार। बस यही है, और नाव क्रॉस करके आए गंगा रिवर, तो उसी का ही थोड़ा मज़ा आया, अभी वापस वहीं से जाना है। तो हम लोगों ने हैमिल्टन बाबू के बंगलो में तिरंगा फहरा दिया, देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हैमिल्टन बंगलो में बहुत सारा फोटो खींचना हो गया, बाकी वो आपका मुझे मेरे इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, अभिषेक के इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। श्री चेयर बिहार मोटर सर डैनियन मैकिनन हैमिल्टन के नाम पे ये हैमिल्टन हाउस पड़ा है। तो बेसिकली सर हैमिल्टन एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे जिन्होंने बंगाल के गोसाबा एरिया में अपना सेकेंड होम एस्टैब्लिश किया था, मतलब उनके हिसाब से ही उनका सेकेंड होम था, और यहाँ का डेवलपमेंट रिचुअल्स में उनका बहुत बड़ा हाथ था और बहुत काम किया उन्होंने, तो इसीलिए हैमिल्टन हाउस यहाँ पे फेमस है गोसाबा में। तो हैमिल्टन हाउस अभी हो गया ख़त्म देखना, बहुत सारा फ़ोटो क्लिक कर लिया हम लोग जैसे आप लोग देख रहे थे। बाकी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपना नाव जो है वो बोला हुआ है तो उसको फ़ोन करेंगे अभी, तो वहाँ से हम लोग फिर उस पर चलेंगे। तो अभी हम लोग इस पार आ चुके हैं, तो अभी ये जो पीछे होटल दिख रहा है यहाँ पे हम लोग सभी लंच करेंगे। तो लंच में अभी है फिश करी एंड राइस, चिकन करी एंड राइस। तो फिश जो है, फिश एंड राइस का प्राइस है यहाँ पे 70 रुपीज़, अगर चिकन लेंगे तो चिकन का प्राइस है 100 रुपीज़। तो हम लोग 50% लोग चिकन ले रहे हैं, 50% लोग फिश ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पर खाना खाते हैं, बाहर मौसम फिर से मतलब बादल छा रहा है, तो बारिश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो जाने के टाइम में और ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं करूँगा, तो पहले खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो लंच कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। यहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस दिखा रहा है 95 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है साढ़े तीन घंटा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो दिखाना था वापस सेम रास्ते से जाएंगे हम लोग, तो वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू वेयर ए हेलमेट एंड एंजॉय योर लाइफ माय फ्रेंड्स, बाय बाय।